संजय दत्त की बायोपिक दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। संजू की ओपनिंग को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वे सच साबित हुए हैं। शोबिज के ट्रेड एनालिस्ट्स ने फिल्म को 2018 की हाईएस्ट ओपनिंग मूवी डिक्लेयर कर दिया है। इन सब के बीच सलमान की फिल्म रेस्टीन इस रेस में पीछे हो गई है। संजू की रिलीज से पहले रेस्टीन ईद के मौके पर रिलीज की गई थी, जिसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़कर पहला नंबर हासिल किया था और अब इस फिल्म का 47वें दिन का अनुमान भी लगाया जा चुका है। ट्रेड पंडितों के मुताबिक ये फिल्म अपने 47वें दिन भी लगभग 0.20 करोड़ से 0.40 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। खैर ये तो अनुमान है, फिल्म 47वें दिन कितना कमाती है इस बारे में हम आपको जल्द बता देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने पहले ही फिल्म को मास्टरपीस कहते हुए मूवी रिव्यू से जुड़ा ट्वीट किया था। तरन ने संजू को 4.5 स्टार रेटिंग्स दी थी। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संजू की एडवांस बुकिंग के लिए पहले 30 करोड़ कलेक्शन का अनुमान था, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत साबित हो सकता हूं। 2018 की गारंटीड सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी होगी, ऐसा बताया था।